बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट संडे हम तवक्कल के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे, तो बात जहां हमने छोड़ी थी वो ये थी कि तवक्कल के तीन मकाम हैं। तवक्कल, दूसरा तस्लीम और तीसरा तफवीज। और उसको वाज़े करने के लिए कि ये तीनों मकाम क्या क्या हैं, मैंने गुजारिश की थी कि कुछ औलिया इकराम के नज़दीक तवक्कल इस चीज़ का नाम है कि इंसान को जद्दोजहद करने के बाद जो कुछ मयसर आ जाए उसे अल्लाह की तरफ से फैसला समझ के खुशी से तस्लीम कर ले। इसमें मैं फिर दोहरा दूं बात कि खुशी के साथ बदले नाखास्ता नहीं, क्योंकि वो तो करना ही है हमें, इस चीज को बड़ी खुशी से तस्लीम कर लिया जाए कि ये मेरे रब का फैसला है, वहीं से अता हुआ है। और तस्लीम वो मकाम है कि जहां पर अल्लाह की तरफ से जो अता न हो उस पर भी शुक्र कर लिया जाए, और जो अता हो उस पर भी शुक्र, और जो अता नहीं हुआ उस पर भी शुक्र। और तफवीज वो मकाम है जहां इंसान अपने तमाम इरादों और ख्वाहिशात को खत्म करके अल्लाह के इरादे और उसकी ख्वाहिशात का ताबे हो जाता है मुकम्मल तौर पर। इंसान की ना अपनी कोई ख्वाहिश बाकी रहती है, ना इंसान का अपना कोई इरादा, ना इंसान की कोई तदबीर, वो कुलियतन अपने आप को अल्लाह की झोली में डाल देता है। वो तफवीज का मकाम है। और कुछ औलिया इकराम ने इसके बारे में ये फरमाया कि तवक्कल वो मकाम है जो मोमिनीन को हासिल होता है, और तस्लीम वो मकाम है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ था, और तफवीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफवीज के मकाम पर फाइज थे। तो उसकी तौजीह ये पेश करते हैं औलिया इकराम के मोमिन अल्लाह के फैसलों को बड़ी खुशी से तस्लीम करता है, जद्दोजहद तो करता है, वो तदबीर भी करता है, कोशिश भी करता है, क्योंकि अल्लाह ने वो फर्ज किए हैं हम पर, लेकिन उसके बाद जो कुछ अता हो जाता है उसे वो हंसी खुशी तस्लीम करता है, उस पर रंजीदा नहीं होता। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को साहिब तस्लीम इसलिए कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मकाम पर आकर सवाए रब ताला के किसी को पहचानते ही नहीं थे, हत्ता कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और ये फरमाया कि मैं तो सिर्फ अपने रब को जानता हूं। तो ये तस्लीम का मकाम था, इसकी तौजीह वो ये देते हैं, इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को साहिब तस्लीम कहते हैं। और तफवीज का तो लास्ट टाइम मैंने उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज और आपसे सरजद होने वाला हर फेल क्योंकि मिन जानिब अल्लाह था, तो उस निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिब तफवीज कहा जाता। एक बड़े वली गुजरे हैं हजरत इब्राहिम ख्वास के नाम से, हजरत इब्राहिम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह, खासे बड़े मकाम फाइज से वलायत थे।
आप साहेब कशफ करामात थे। तो एक दिन वो उनको रास्ते में एक इंसान मिला जो वैश्यल शक्ल था। तो हजरत इब्राहिम ख्वास ने उनसे पूछा कि तुम इंसान हो या जिन। तो उसने कहा जी मैं जिन हूं। तो फरमाया किधर का कसद है। तो उनका जी मैं मक्का जा रहा हूं। तो हजरत इब्राहिम ख्वास बड़े हैरान हुए इस बात पर। तो पूछा कि मक्का कैसे जा रहे हो तुम इस बजाने में, ना तो तुम्हारे पास कोई सवारी है और ना तुम्हारे पास कोई रास्ते के लिए खुराक और दूसरे चीजें हैं। तो जिन ने कहा कि साहब हमारे कबीले में कुछ लोग ऐसे हैं जो तवक्कल पर सवारी करते हैं। तो उस निस्बत से कुछ औलिया कराम ने तवक्कल की तारीफ ये भी की कि जब इंसान सिर्फ वो लम्हा जिसमें वो जिंदा है उस पर तकिया करे और अगले लम्हे की फिक्र न करे तो वो बंदा मतवक्कल है। एक तारीफ इस नस्बत से तवक्कल की ये भी की गई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि हजरत रद्दबारी ने, ये भी एक बड़े वली अल्लाह अपने वक्त पे गुजरे, तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि मुझे दिखाया गया रब की तरफ से कि मेरी उम्मत इस कसरत से हो गई है कि तमाम जमीन और पहाड़ मेरी उम्मत से भरे पड़े हैं। और रब ताला ने पूछा कि इस कसरत से खुश हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मैं खुश हूं इससे। उसी हजूम में रब ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई 60-70 हजार आदमियों पर मुश्तमिल एक ग्रोह दिखाया जो आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही से ताल्लुक रखता था। और आवाज आई रब ताला की कि ये वो ग्रोह है जो सीधा जन्नत में जाएगा। और उसकी वजह रब ताला ने ये बयान की कि आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो न तो तावीज करवाते थे न मंत्र कराते थे न किसी शख्स से कोई उम्मीद रखते थे, बल्कि ये वो लोग थे जो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करते थे और उस वजह से उन्हें सीधा जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो ये सुनकर हजरत अकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हो एक सहाबी गुजरे, वो खड़े हो गए एकदम और अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे उसी ग्रोह में शरीक शामिल कर ले। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज बुलंद दुआ फरमाई कि या बारी ताला मेरे सहाबी को तो उस ग्रोह में शामिल कर ले। तो ये सुनकर एक और सहाबी खड़े हुए और कहा कि हजूर मेरे लिए भी यही दुआ फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अकाशा तुम पर सबकत ले गए,